सैमसंग का D800 मॉडल है। आज हम इसके लोड सेल के कनेक्शंस, कैलिब्रेशन, इंटरफेसिंग के कनेक्शन और उसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले लोड सेल के कनेक्शन के बारे में बताते हैं। इसमें 5 पिन का फीमेल कनेक्टर लगेगा। एक इसकी एक नंबर पिन पे एक्साइटेशन प्लस, दो नंबर पे सिग्नल प्लस, तीन नंबर पे सिग्नल माइनस और चार नंबर पे एक्साइटेशन माइनस की वायर लगेंगी। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। जब वेट पोजीशन पे आ जाए तो सेट का बटन दबा के रखेंगे, ऑन ऑफ का दबा के छोड़ देंगे, C01 आ जाएगा। फिर आप सेट का बटन दबाएंगे, C02 आ गया। इसकी डेसिमल की सेटिंग है। इंटर होने के लिए सेट का बटन दबाएंगे। चेंज करने के लिए एरो की बनी हुई है, जैसे 0 पे अप एरो बनी हुई है, टी पे डाउन एरो बनी हुई है और टोटल पे लेफ्ट एरो बनी हुई है। चेंज करने के लिए हमें 3 करना है, तो मैं इसकी अप एरो की को प्रेस करूँगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर सेट का बटन दबाएंगे। इसकी डिवीजन है, सेटिंग करने के लिए इंटर होने के लिए सेट का बटन दबाएंगे। इसको चेंज करने के लिए मैं इसको 5 ग्राम से चलाना चाह रहा हूँ, तो मैंने 5 किया और फिर सेट का बटन दबा दिया। C04 इसकी कैपेसिटी है। इंटर होने के लिए सेट का बटन दबाएंगे और चेंज करने के लिए एरोज की का इस्तेमाल करेंगे। लगे अभी मैं 50 kg इसको करना चाह रहा हूँ, मैंने बटनों की मदद से 50 kg किया और सेट का बटन दबा दिया। C05 फिर सेट का बटन दबाएंगे। C50 इसकी ज़ीरो कैलिब्रेशन है, इसको हमेशा 1 करना है। 0 के बटन से 1 करेंगे और फिर सेट का बटन दबा दें। 0 कैलिब्रेशन हो रही है, काउंटडाउन चलने के बाद 00 डिस्प्ले पे शो हुआ। अब फिर सेट का बटन दबाएंगे। C06 फिर सेट का बटन दबाएंगे। C60 इसको फिर हमेशा हमने 1 करना है और फिर सेट का बटन दबा देंगे। स्पेन लिखा हुआ आएगा तो वेट प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और जितना वेट हमने प्लेटफॉर्म पे रखा है वो यहाँ पे फीड करेंगे। लाइक मैंने अभी 5 kg रखा है, मैं इसको 5 kg लिख के और फिर सेट का बटन दबा देंगे। काउंटडाउन चलने के बाद कॉल एंड लिखा हुआ आएगा और फिर ऑन ऑफ का बटन दबा के छोड़ देंगे। ये कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसकी इंटरफेसिंग के कनेक्शन और सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो इसमें 9 पिन का डी टाइप कनेक्टर लगेगा मेल। इसकी दो नंबर पिन पे TXT की वायर लगेगी, तीन नंबर पे RXT की और 5 नंबर पे ग्राउंड की वायर लगेगी। वायर लगाने के बाद ऑन करेंगे। जीरो पे आ जाए तो सेट का बटन दबा के रखेंगे, ऑन ऑफ का दबा के छोड़ देंगे। हमने डायरेक्ट 18 पे जाना है तो 18 पे चलते हैं। बटन दबाते हैं। अगर हम इसको एक्सटर्नल डिस्प्ले पे चलाना चाह रहे हैं तो इसको हम 1 रखेंगे और अगर कंप्यूटर पे चलाना चाह रहे हैं तो इसको हम 4 कर देंगे। क्योंकि अभी मैं कंप्यूटर पे इंटरफेसिंग करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं 4 रखूँगा और सेट का बटन दबा दूँगा। C19 ये इसकी बाउड रेट सेटिंग है। इंटर होने के लिए सेट का बटन दबाएंगे। 0 रखा हुआ है तो इसका मतलब ये 1200 पे सेट हुआ हुआ है। 1 करेंगे तो 2400, 2 करेंगे तो 4800 हो जाएगा और 3 करेंगे तो 9600 हो जाएगा। अभी 3 रख के हम सेट का बटन दबाएंगे, C20 पे चला जाएगा। बाहर निकलने के लिए ऑन ऑफ का दबा के छोड़ देंगे। सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। हमारे पास IAG का सॉफ्टवेयर है। सेटिंग करने के लिए एंटर होंगे।
यूटिलिटीज में जाके कंपनी इन्फो और इंडिकेटर नेम L200S सेलेक्ट करेंगे। बाउड डेट हमने 9600 रखा हुआ है और नन 81 और उसके बाद अपडेट कर देंगे। हम इसके ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, 0 शो हो रहा है इंडिकेटर पे भी और जैसे जैसे हम इसका रेट बढ़ाएंगे जैसे इंडिकेटर पे वेट शिफ्ट हो रहा है इसी तरह कंप्यूटर पे भी वेट शिफ्ट।